Welcome back to the channel, everyone. I hope you all are doing absolutely well. This is Minhaj back with another vlog. और आज हम इस वीडियो में जाने वाले हैं मैसूर के रेलवे म्यूजियम में. Yes, I had been to Mysore recently and I was in a very unique place called as Railway Museum. बहुत सारे लोगों ने इस जगह के बारे में सुना होगा. I'm not really sure about people in the north, but definitely जो कोई भी कर्नाटका में है, at least they might have heard of this place. There are a lot of ancient trains and like railway से जुड़ी हुई सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं जो कि well preserved है. तो बस सोचा कि चलो यार एक ब्लॉग ही पोस्ट कर दिया जाए, बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड पोस्टेड एनी थिंग ऑन दिस चैनल. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि लाइक यार बहुत बिजी हो गया था दूसरी सारी चीज़ों में. मेन चैनल पर एक्टिव होने के कारण इस चैनल पर वीडियोज पोस्ट करना लाइक थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. एंड दिस चैनल इज नॉट इट मोनिटाइज्ड, सो यस आई होप दिस विल गेट मोनिटाइज्ड सून. तो चलो यार अभी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं रेलवे म्यूजियम मैसूर में. सो ये रहे हमारे टिकट्स और यहाँ पर 50 रुपीज़ है एडल्ट को एंड फॉर चिल्ड्रन इट्स 20. या काइंड ऑफ इट्स ओके, लाइक बहुत सारी जगहों पे 100 रुपीज़ भी रखा है लाइक इस म्यूजियम का. ठीक है यार, फिर भी लाइक हम तीन थे, लाइक टू एडल्ट्स एंड वन किड. सो या हियर इट इज़ एंड हियर इट इज़, दिस इज़ आर रेलवे म्यूजियम. और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर. तो चलिए मैं आपको वन बाय वन टूर पे ले जाता हूँ इसका. एंड आई एम नॉट रियली श्योर ये क्या चीज़ है. तो यहाँ पर तीनों लैंग्वेजेस में लिखा है, इट्स इन इंग्लिश, कन्नड़ा एंड हिंदी. एंड एज यू कैन सी दिस इज़ अ पुश ट्रॉली और ये चीज़ पुराने ज़माने की है यार. यहाँ पर अब जैसे कि आप देख सकते हो, सिंस इट्स अ पुश ट्रॉली तो इसको लाइक ढकेला जाता था शायद. जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हैंडल्स हैं, दो लोग इसको पुश करते थे, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही है. एंड इट वॉज़ यूज फॉर लाइक किंग्स एंड क्वींस मोस्ट प्रॉब्ली. और यहाँ पर उतनी ज़्यादा डिटेल तो नहीं लिखी गई है, बस थोड़ा बहुत लिखा गया है. एंड ये कुछ ट्रैक्स वगैरह रखे गए हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर लिखा है कि दीज स्लीपर्स आर मोस्ट वाइडली यूज स्लीपर्स ओवर इंडियन रेलवेज, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्लीपर्स. ओके, जो कुछ भी है यार, ये तो पक्का पुराने ज़माने का होगा. तो इसको इस पर नज़र डालते हैं. ओके, दिस इज स्टील स्लीपर्स मेड फ्रॉम प्रेस स्टील एंड टफ शेप्ड इन सेक्शन. ठीक है भाई, म्यूजियम है तो कुछ पुरानी चीज़ें तो होनी चाहिए ना यहाँ पर. ओके, सो दीज आर टू डिफरेंट ट्रैक्स. लाइक इनमें जो आप विड्थ देख रहे हो ये उतना वाइड नहीं है, वेर एज दैट इज़ एक्सट्रीम वाइड. देख लो इसको, ये इतना ज़्यादा वाइड है और ये उतना वाइड नहीं है. माइट बी दैट्स द डिफरेंस. एंड दिस इज येट अनदर वन जो कि लिखा गया है कि टू टाइप्स ऑफ नैरो गॉजेस हैव बीन यूज्ड इन इंडिया विच आर 2 feet 6 inches. ओके, द कालका शिमला एंड दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे आर फ्यू पॉपुलर लाइन्स. ओके, तो अभी भी यहाँ पर चालू है भाई. लाइक दैट्स एक्सट्रीम वाइड, दिस वन इज़ लाइक उसे थोड़ा कम है, वो थोड़ा नहीं बहुत बोल सकते हैं. और इससे कम तो ये वाला है यहाँ पर, इसकी विड्थ उतनी नहीं है. दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज. सो ये जो है लीवर है जो कि लाइक ट्रैक चेंज करने में यूज़ होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर. तो चलो पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है. सिंगल लीवर ग्राउंड फ्रेम, दिस सिस्टम इज़ कनेक्टेड टू अ पॉइंट और सिग्नल थ्रू अ कनेक्टिंग रॉड. इट इज़ यूज टू ऑपरेट सिग्नल एट अ शॉर्ट डिस्टेंस. ठीक है भाई, और ये उसका लाइक कॉम्बिनेशन होगा या कि क्या चीज़ है मुझे ठीक से नहीं पता. अगर किसको मालूम है तो बोल दो कॉमेंट सेक्शन में. तो अभी हम इंडोर गैलरी में जा रहे हैं यहाँ पर. एंड दिस हियर इज सिग्नल एंड टेलीकॉम गैलरी. तो यहाँ पर लाइक बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं जो कि टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी. जैसे कि आप देख सकते हो ये कुछ पुराने फ़ोन्स वगैरह रखे हैं. दिस इज़ द टाइपिकल रोटरी टाइप टेलीफोन, ये रहा. और ये वाला है अपना टेबल टॉप मैग्नेटो टेलीफोन जो कि बहुत यूज़ होते थे ये सब इंस्ट्रूमेंट्स फॉर टेली कम्युनिकेशन.
सो ये यहाँ पर एक सम स्लाइड विथ इंडिकेशन पैनल करके कुछ रखा गया है. आई एम नॉट रियली श्योर कि ये क्या चीज़ है, बट एज यू कैन सी यहाँ पर लाइक रेल रूट दिखा रहा है. लाइक इन ओल्डन डेज यहाँ पर जो दिखता था, आई गेस यहाँ पर लाइट्स ग्लो होती थी. ये टाइपिकली मुझे लाइट्स ही दिख रही है, बट आई एम नॉट रियली श्योर. मैंने एक मूवी में देखा था इसको, लाइक जहाँ पर से ट्रेन पास होती है तो वहाँ पर लाइट्स ग्लो होती थी. एंड दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ कंट्रोलर. वॉट आई एम लाइक, मुझे लग रहा है ऐसा कि ये कंट्रोलर है. लेकिन कुछ प्रेस वगैरह तो हो नहीं रहा है यहाँ पर, बट या वॉट एवर इट इज़, लुक्स नीट. दिस ईयर इज़ एम जी रेल बस, जैसा कि आप देख सकते हो. ये एक्चुअल यहाँ पर जो है ट्रेन है गाइस. ये लाइक मुझे लग रहा है कि ये ट्रेन की इंजन है, तो मैं आपको अंदर वाला भी पार्ट दिखाऊंगा. एंड एज यू कैन सी देर आर सम राइटिंग्स हियर, वॉज इन यूज बिटवीन शिमोगा टाउन एंड तलगुप्पा ऑफ कर्नाटका स्टेट. ठीक है, और शायद से इस ट्रेन को ट्रैक पर डाला गया था 1939, जो कि ब्रिटिश के ज़माने की ट्रेन है ये. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, पॉज द स्क्रीन और पढ़ लो भाई सब कुछ. और ये रही एक्चुअल ट्रेन, वेल प्रिजर्व. और ये इसका अंदर का पार्ट है. एंड यस, दिस इज़ एक्चुअली एन इंजन, जैसा कि आप देख सकते हो. अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर चढ़ तो नहीं सकता अभी, एंड इट्स रस्टेड एक्चुअली. लाइक मुझे पता नहीं है कि कैसे चढ़ना है इस पर. चलो देखते हैं. ओके, सो देर इज़ अ काइंड ऑफ लीवर थिंग हियर टू क्लाइंब. चलो ट्राई करते हैं. ओह माय गॉड, चढ़ गए भाई अंदर. और यहाँ पर एक बंदा बैठता था और वहाँ पर एक बैठता था. एंड यहाँ के कंट्रोल सब निकाल लिए हैं इन लोगों ने, कुछ रखा नहीं है. बस एक लीवर है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो. लाइक मुझे नहीं पता कि कौन सा एक्सीलेटर है और कौन सा ब्रेक है, बट या क्या है, ब्रेक है भी या नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर. बट कुछ ऐसा नज़ारा है अंदर का. एंड दिस ट्रेन ब्रिटिश एरा, जो कि ऑयल पेंट करके रखा है इन्होंने प्रिजर्व करने के लिए. बट स्टिल यहाँ पर बहुत सारा, इट्स रस्टेड गाइस एज यू कैन सी. ये शायद कुछ मेन गियर बॉक्स वगैरह कुछ है, बट नॉट रियली श्योर क्या है. अभी मैं बाहर निकलता हूँ इससे पहले कि कोई आके मुझे बोले कि निकलो बाहर. ओके, तो चलो अंदर चलते हैं अभी. दिस इज़ दी मेन भोगी, या जो भी बोलना है यार. बहुत ही डिफरेंट था. कुशंस वगैरह सब ठीक हैं. एंड सो ये वाला, लाइक ये वाली भोगी शायद मुझे लगता है कि जो इसमें जो गुड्स रख के ले जाया करते थे, वो वाली भोगी है. तो पढ़ते हैं कि क्या लिखा है. दिस वुडन वैगन इज़ नियरली 100 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, इट वॉज फाउंड एट हॉस्पेट डिपोर्ट एंड वॉज बींग यूज एज टूल बॉक्स बाई परमानेंट वे गैंग स्टाफ. इट वॉज कम्प्लीटली रीबिल्ट एट मैसूर रेलवे म्यूजियम बाई स्टाफ ऑफ मैसूर डिवीजन. ठीक है, वेरी वेल डन. और ये कुछ ऐसी दिखती है भोगी. के अंदर में कुछ भी नहीं है भाई, बस लाइक ओपन स्पेस रखा गया है और कुछ नहीं है. देख लो, कुछ भी नहीं है.